इजी कुकिंग बाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी थोड़ा स्वागत है। आज असी मूंगरे आलू बनावांगे। जे दी रेसिपी तुहानू अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर देना, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि साडी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। हुण इहनू बनाउण वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असीं तुहानू दिखाने। ये देखो जी, असीं ये मूंगरे ले दो गुच्छिया से लिया सी, तकरीबन 350-400 ग्राम होनी है। एक असी कटती, एक असी कट के हमने तुम दिखावे। तो इन्हों अच्छी तरह असी पानी वॉश करके असी रखे हुए, तो असी वैसे कट के पानी रख लिया, वॉश करने बाद भी वॉश करके रखे हुए हैं। तो थोड़े जे असी आलू ले ने वास्ते, तो ये असी कटिंग करके असी रखे हुए हैं। तो थोड़े जे अदरक के पीस असी लैके एक दो छोटे छोटे पीसिस कर लें। तो जो मसाले यूज होने ये नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च ते हल्दी पाउडर ते सरसों के तेल से असी इनू बनावांगे। तो हुण असी इनू बनाना शुरू करते हैं। आलू भी तकरीबन साढ़े 150-200 ग्राम ने, वैसे अंदाजन ही असी ले हैं। तो ये देखो जी, मूंगरे दा असी आहिस्सा असी कट के सुट देना इन्हों अगे वाला जिहड़ा अच्छा नहीं है। आ उस तो बाद असी इन्हों इस तो बाद असी इनू इहदी कटिंग कर लैनी। असी वॉश करके पहले ही रखे हुए हैं तो इनू कटिंग कर लैनी असी। आ देखो पिछे का भी इस तरह जिहड़े पीस, इन्हों भी असी इस तरह कट लेना। बस सेंटर के जिहड़े मूंगरे है, क्योंकि वो अगले फोके होंगे ने, खाली होंगे ने कई बार, तो पिछे आगे थोड़े जे पक्के होंगे। तो इस तरह असी इहदी कटिंग कर लेनी, बरीक बरीक कटिंग इहदी असी कर लेनी है। खिलारना नहीं फिर। आ देखो जी, इस तरह असी बरीक बरीक इहनू कट लेना। रस्सी बन्नी बन्नी जी अगू पिछू कट दिता, तो असी इस तरह कट लेने बाद लास्ट आ गए असी रस्सी खोल देंगे जी। हाँ देखो जी, इस तरह असी बरीक बरीक इन्हों कट लेना। उंज भी कट सकते हैं असी रस्सी खोल के, फिर जोड़ने पैणगे सारे नूं, जोड़ जोड़ के सानूं कटिंग करनी पेगी। ये जरा इकट्ठी कटिंग हो जाती है बस। हाँ देखो, लास्ट का असी जरा पार्ट से असी छोड़ दिता, बस ये साड़ी कटिंग हो गई। पानी असी इहदे च होर असी पाता, पहले भी असी वॉश किए हुए थे, पानी असी होर पाता। पानी चो असी इस तरह मसल के फिर असी इनू ऐड करांगे। देखो तेल असी सरसों का एज पर रिक्वायरमेंट जिन्नी क जरूरत असी थोड़ा जहा उन्ना पाना असी, बाकी अपने टेस्ट मुताबिक घट वध पा सकते, लेकिन घट ही पाना चाहिए जिन्ने के साडा अदरक फ्राई हो जाए। देखो जी, बहुत जो मूंगरे असी बहुत ही आसान जहा तरीका दसांगे, सिंपल तरीका दसांगे, क्योंकि इहदे नाल इहदे च कोई भी असी हैवी चीज़ यूज़ नहीं की, इस करके बहुत हैल्दी बनते हैं। कोई हैवी मसाला इहदे च यूज़ नहीं किया गया। आ देखो जी, असी छोटे आलू ले सी, उन्होंने अच्छी तरह वॉश करके, तो असी दो पीस से उन्होंने कट लिया, असी छिलका नहीं उतारिया इहदा, क्योंकि नवे आलू है, छिलका तो हेल्पफुल। आ देखो, तेल साडा गर्म हो गया, तो अदरक असी इहदे च थोड़ा जिहा फ्राई करांगे, ब्राउन करांगे इहनू। देखो जी, असी इन्हू गर्म असी फुल तो कर लिया, उस तो बाद घट करता से स्लो करता ताकि अदरक एकदम सड़ ना जाए, स्लो स्लो ब्राउन होएगा, इहदा टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ये सिर्फ साडा जिहड़ा, क्योंकि हैवी कोई मसाला नहीं यूज़ किया गया, तो मूंगरे तो आलूआं दा ही टेस्ट आएगा, कोई ज़्यादा हैवी मसाले का नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, ये सिंपल होण करके हजम भी जल्दी होंदे हैं और हैल्दी भी बहुत होंदे हैं। अदो जी, टोटली असी 1 मिनट के करीब करीब इन्हों फ्राई किया, तो साढ़े थोड़े थोड़े असी ब्राउन हो गए हैं, तो हल्दी ये असी हूँ 1 चम्मच असी भर के असी ऐड की हल्दी, 5-7 सैकेंड हल्दी भी पकाना ताकि ये कच्चापन दूर हो जाता। थोड़ा जहाँ असी इस पानी ऐड करा जो हल्दी पक जाए, ये हल्दी का रंग भी अच्छा आता है, तो अच्छी तरह जो भी चीज़ अदरक वगैरह इस फ्राई हो जाएगा, मैश हो जाएगा। इस तो बाद असी आलू ये छोटे छोटे कटिंग करके रखे हो असी ऐड कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि छोटे वाले लो, वे भी लै सकते हो, छोटे भी ये अच्छा होंगे, टेस्ट बहुत अच्छा होंगे यदा। तो सू जो छिलका नहीं अच्छा लगता, तो व्डे आलू छिलका उतार के भी पा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है, पर यह टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। असी सरसों के ऑयल बनाया है, तो कोई भी ऑयल कोई भी की यूज़ कर दौ कर सकते हो,
पर इहदा टेस्ट सरसों दे तेल ज़्यादा अच्छा है। हाँ तो जैसे हम पानी चो कढ के ते मोंगरे च पा देने जी। देखो जी अच्छी तरह से इन्हां नूं मोंगरे पाउण तों बाद मिक्स कर देना। आलू भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वध घट पा सकते हो, तुहाडी अपनी इच्छा है। तुसीं ज़्यादा आलू टेस्ट है तुसीं ज़्यादा भी पा सकते हो। अच्छी तरह मिक्स कर देना। हुण इहदे असीं नमक मिर्च ऐड करते हैं जी। नमक अपने टेस्ट मुताबक तुसीं पा सकते हो, असीं एक चम्मच इहदे च पाता, बाकी अपने टेस्ट मुताबक तुसीं वध घट पा सकते हो। इस तरह ही लाल मिर्च है, लाल मिर्च भी तुसीं टेस्ट मुताबक वध घट पा सकते हो। असीं एक चम्मच पाई है, अपने टेस्ट के मुताबक वध घट कर सकते हो। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देना। हाँ देखो दो तीन मिनट असी अच्छी तेज सेक से फुल सेक से इन फ्राई करो। उस तो बाद असी स्लो सेक करके ढक्कन दे के इनू रख देना। फिर उस तो बाद छे सत्त मिनट तो बाद देखेंगे जी की पोजिशन है। हाँ देखो तीन मिनट असी इन्हों फ्राई कर लिया, तो मोंगरिया चो आलू चो काफ़ी पानी इस निकलिया, तो ये हूँ असी इनू स्लो सेक से ढक्कन दे के सत्त मिनट छे सत्त मिनट असी रख देना। तो उस तो बाद जो ये गल गया आलू गल गए और मोंगरे गल गए, तो फिर इन जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो उन्होंने तेज सेक तो सुखा लवेंगे। असी उन्होंने स्लो करता सेक, तो हम छे सत्त मिनट बाद चेक करा। बिच बिच असी एक अद्धी बार कड़छी जरूर मारा ताकि ये उत्त थले कर दिए इन्हों। देखो जी सत्त मिनट बाद असी चेक कर रहे हैं। देखो जी हाले आलू च कसर काफ़ी है, इस गल असी पांच तो सत्त मिनट असी होर रखा। पानी हाँ पहले असी ताहीं घट रखे, मैं आलू ना गल जाने या ज़्यादा मोगरे भी हले थोड़े जे हरे कच्चे पंच ने, पाँच सत्त मिनट बाद असं फिर इन चेक करेंगे। पानी भी हैगा काफ़ी हले नीचे। हाँ देखो जी होर सत्त मिनट असी होर रखे से, असी हुण इन्हें चेक करते हैं। हाँ देखो साड़ियाँ मोंगरे भी गले पे हैं, तो आलू भी गले पे हैं, थोड़ा जहा नीचे मॉइस्चर है पानी का, वो हम असी तेज सेक से असं इन्हों सुखा लेना। हाँ देखो जी एक डेढ़ मिनट इन होर लग्या, तो यदा जिन्ना भी मॉइस्चर से थले थोड़ा पानी से बिल्कुल सुख गया। तो ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ी जी असी काली मिर्च असी ऐड करा, काली मिर्च में यदा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और काली मिर्च वैसे भी हेल्थ वास्ते बहुत अच्छी होंगी है। तो हम असं तुम्हें अलग कट के दिखाने, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। काली मिर्च पाने तो बाद मोंगरे आलू बन के साढ़े बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएंगे। एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दियो कि तुहानू कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।